नमस्ते स्टार्टिंग इंग्लिश स्टडी में आपका स्वागत है मैं चंचल कुमारी आज आपको एक इंग्लिश स्टोरी की हिंदी को कैसे जानेंगे इंग्लिश की स्टोरी है उसकी हिंदी कैसे जानेंगे वो मैं आपको बताने जा रही हूँ मैं आज एक स्टोरी को हिंदी करके दिखाऊंगी। इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स दिखा रहे हैं इस पिक्चर्स में आप देख रहे हैं कैट है और म, माउस है एंड माइस है माउस मतलब चूहा माइस मतलब चूहिया और बिल्ली और ये रेड के हाथ में एक बेल भी है रिंग भी है इसी से रिलेटेड एक स्टोरी है और जब भी कभी स्टोरी इंग्लिश स्टोरी रहती है उससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स दिखाते कि इसी पिक्चर से रिलेटेड आपके पास स्टोरी है तो स्टोरी है हु विल बेल द कैट हु कौन विल गा बेल द कैट बेल मतलब होता है घंटी घंटी कौन देगा मतलब कैट को घंटी कौन देगा हु विल बेल द कैट बिल्ली को घंटी कौन देगा ये पूरी स्टोरी इसी पे है दे आर लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ माइस इन ए मैसोन हु वुड कीप जंपिंग अप एंड डाउन देयर हेयर एंड देयर हेयर मतलब यहाँ देयर मतलब वहाँ वहाँ लिव्ड मतलब लिव मतलब रहना लिव्ड मतलब रहते थे थाउजेंड्स हजारों ऑफ माइस माउस मतलब चूहा माइस मतलब चूहिया वहाँ रहते थे हजारों चूह्या इन ए मैसन मैसन मतलब हवेली होता है मैसन में रहते थे हु वुड कीप जम्पिंग अप एंड डाउन और वो क्या करते थे जम्पिंग करते रहते थे अप एंड डाउन वन डे द ऑनर ऑफ द मैसन बाउट ए कैट एक दिन द ऑनर ऑनर मतलब होता है मालिक ऑफ द मैसन मैसन का जो मालिक था हवेली का माउ कैट एक बिल्ली खरीदा ना द रैट्स वे आर इन ए ग्रेट डिफिकल्टी नाओ द रैट्स चूहों को क्या हुआ वेयर ए ग्रेट ग्रेट मतलब होता है बड़ा एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी आई कठिनाई आई द कैट उड क्वाइटली सीट इन अ डार्क द कैट उड बिल्ली क्या करती थी क्वाइटली एकदम शांत से बैठती थी सीट इन अ डार्क अंधेरे में बैठती थी एंड एस सुन एस सी उड सी ए रेट और वह क्या करती थी एस सुन एस सी उड सी मतलब वह देखते रहती थी ए रेट किसको चूहों को देखती रहती थी सी उड पौंस ऑन इट पॉन्स मतलब होता है झपटना झपट्टा मारती थी सी उड पॉन्स ऑन इट उस पर झपट्टा मारती थी एंड इट दैम अप और क्या करती थी खा जाती थी ये जभी बिल्ली आई तभी ये पूरी का पूरी रेड जो है उससे परेशान रहती थी एंड परेशान होने के कारण जो है ये उनको प्रॉब्लम होने लगा था बिल्लियाँ उसको झपट्टा मारती थी एंड इट देम अप और क्या करती थी खा जाती थी द पुअर रैड्स वेयर हेल्पलेस पुअर रेड्स ऐसे तो पुअर का मीनिंग होता है गरीब लेकिन पुअर रेड्स पुअर मतलब यहाँ पे लाचार चूहे क्या करते थे वेअर हेल्पलेस बेबस थे हेल्पलेस थे एंड वन डे दे डिसाइडेड टू कॉल अपॉन ए मीटिंग वन डे दे डिसाइडेड एक दिन दे डिसाइडेड वो डिसाइड किया टू कॉल अपॉन ए मीटिंग एक मीटिंग का डिसाइड किया एंड इन विच एवरी बिग एंड स्मॉल रेड वेयर प्रजेंट और जो उन्होंने मीटिंग का डिसाइड किया उसमें सारे बिग एंड स्मॉल रेट दोनों प्रजेंट थे उस मीटिंग में बिग स्मॉल बिग रेट एंड स्मॉल रेट दोनों के दोनों रेट वहाँ पे प्रजेंट थे दे द सैड हेड ऑफ़ द रेट हेड मतलब होता है बड़ा या मालिक हेड ऑफ द रेट रेट का जो हेड था सेड उन्होंने कहा फ्रेंड्स यू ऑल यू नो दैट यू ऑल यू नो तुम सारे जानते थे वी आर गेदर्ड वी आर ए ग्रेट ट्रेवल वी आर अ ग्रेट ट्रेवल मतलब हम लोगों के पास एक ग्रेट ट्रैवल है ग्रेट मतलब बड़ा ट्रेवल मतलब होता है मुश्किल बड़ा मुश्किल आई है वी हैव ऑल गेदर्ड हीयर इसलिए वी मतलब हम लोग हैव ऑल सारे जमा हुए हैं गदर्ड मतलब होता है जमा हुए हैं हीयर यहाँ पे बिकॉज द कैट्स वॉच बिकाउज़ द कैट्स हु हैज कम टू एज मैसोन बिकाउज इसी कारण से है द कैट हु हैज कम इसलिए जो है बिल्ली आएगी टू द मैसोन हवेली में हैज पुट अपॉन अ ट्रैवल जब से बिल्ली आई है मैसोन में पुट अपॉन ऑन ए ट्रैवल हमारे लिए एक मुश्किल आई है मुश्किल रख दी गई है We must try and get rid of the cat. We must try. हम लोग कोशिश करेंगे एंड गेट rid. और क्या करेंगे Rid, rid मतलब होता है छुटकारा और छुटकारा पाएंगे ऑफ द कैट बिल्लियों से वी सेल ऑल गो टू इन सर्च ऑफ फूड वी सेल ऑल गो टू हम लोग सारे जाएंगे इन सर्च ऑफ फूड भोजन की तलाश में बिफोर इट्स गेट डार्क अंधेरे होने के पहले बिफोर डार्क मतलब होता है अंधेरा अंधेरे होने के पहले बट वाट द डिफरेंस लेकिन इससे क्या डिफरेंस होगा विल में इससे क्या कुछ अलग होगा अंधेरे होने के पहले जाएंगे तो ईवन द कैट्स वुड स्टार्ट कमिंग सुन बिफोर ई गेट्स डार्क इवेन ऐसा होगा द कैट्स वुड स्टार्ट कमिंग बिल्ली भी आना शुरू करेगी बिफोर इट्स गेट डार्क बिल्ली भी कब आना शुरू करेगी अंधेरे होने के पहले जब चूहे अपनी भोजन के लिए पहले निकलेंगे तो बिल्ली भी पहले आना शुरू करेगी आई हैव एन आइडिया हमारे पास एक आइडिया है वैन इफ जब अगर वी हैंग अ बैल हम लोग वी हैंग अ बैल हैंग मतलब होता है टांगना टांगेंगे एक घंटी अराउंड द कैट्स नेक मतलब बिल्ली के बिल्ली के नेक में जब बिल्ली के नेक के अराउंड जब घंटी को हैंग करेंगे टांगेंगे वी विल कम टू नो वी विल कम टू नो वह जब हमारे पास आएगी वी नो टू नो जानेंगे वेन द कैट्स इज अराउंड बिल्लियाँ कहाँ हैं हमारे अराउंड है एंड सो so, इसके बाद वी कैन हाइड इन साइड आवर होल्स वी कैन हाइड इन साइड आवर होल्स इन साइड मतलब होता है अंदर आवर होल्स तब क्या होंगे हम लोग छिप जाएंगे हाइड मतलब होता है छिपना छिप जाएंगे अपने अपने होल्स में वाओ दैट्स ग्रेट मतलब वाओ इट्स डेट्स ग्रेट अच्छा है व्हाट ए नाइट सजेशन क्या नाइट nice सजेशन है दिस इज अ लिटिल वन हैज सॉल्व ऑल द प्रॉब्स दिस लिटल मतलब इस छोटे ने इस छोटे से एक ने है्व सोल्व solve कर दिया ऑल आवर प्रॉब्लम्स उनके पास जो प्रॉब्लम था उसको एक छोटे से ने सारे के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया व्हाट एन आइडिया क्या आइडिया है बेल इन द कैट्सनिक बेल घंटी इन द कैट्सनिक कैट्सनिक मतलब होता है बिल्ली के गले में हाउ नाइस nice, कितना सुंदर नाउ देयर इज नथिंग नाउ देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट नाउ मतलब अब देयर इज नथिंग कुछ नहीं रहा टू वरी अबाउट वरी मतलब होता है चिंता अब कोई चिंता नहीं रहा इसके बारे में आई विल अरेन्स द थ्रेड आई विल एरेंज द ट्रेड मतलब हम अरेंज करेंगे जमा करेंगे द थ्रेड मतलब होता है धागे को एंड आई विल गेट ए बेल और एक घंटी चाहिए क्या चाहिए धागे को जमा करना है और एक घंटी चाहिए इट्स अ नाइस आइडिया या नाइस nice मतलब होता है सुंदर आइडिया है बट देयर इज़ वन प्रॉब्लम लेकिन देयर यहाँ पे इज वन प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम आया है हु विल बेल द कैट हु मतलब कौन विल बेल द कैट बिल्ली को घंटी कौन देगा एवरी वन वाज क्वाइट सारे वन एवरी वन प्रत्येक क्या हो गए क्वाइट हो गए मतलब एकदम सारे के सारे क्या हो गए शांत हो गए दे आर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस मतलब वहाँ पर क्या हो गया था पिन ड्रॉप साइलेंस एकदम से सुई नुमा एकदम शांत सा हो गया था एवरी बडी प्रत्येक हु स्टंट एज दे डिड नॉट हैव एनी आंसर प्रत्येक के पास प्रत्येक क्या हुए थे वाज स्टंट हो गए थे स्टन्ट मतलब एकदम अवक हो गए थे एंड एज दे डिड नॉट हैव एनी आंसर और किसी के पास कोई भी आंसर नहीं था सडनली ऐसा हुआ सडनली मतलब होता है अचानक दे हार्ड ए कैट्स म्यूइंग दे हेअर्ड हियर मतलब सुनना हेयर मतलब सुना, मतलब सुना उन्होंने क्या सुना द कैट्स म्यूइंग कैट की म्यू की आवाज़ सुई म्यू म्यू करती है ना कैट्स उसकी आवाज़ को सुना गया द कैट्स म्यूइंग म्यू कैसी आवाज़ बोला म्यू की और लिसनिंग कैट्स म्यू क्या सुनाया म्यू बोली बिल्ली और सुना लिसनिंग मतलब लिशन मतलब सुना लिसनिंग मतलब सुनाया गया टू कैट्स म्यू म्यू की आवाज़ सुना दे ऑल रन टुअर्ट्स देयर होल्स दे ऑल रन रन मतलब दौड़ना रन मतलब दौड़ गया क्यों दौड़ गया टुअार्ड्स टुअार्ट मतलब होता है कि और देयर होल्स अपने अपने होल्स के और सभी दौड़ गए सो चिल्ड्रन व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी इसलिए बच्चों व्हाट डू यू लर्न आप क्या सीखते हैं फ्रॉम दिस स्टोरी मतलब इस ये जो स्टोरी है इससे आप क्या सीखते हैं तो इससे हमको एक मॉरल मिलता है हम लोगों को इससे सीखे मॉरल है इट इज़ नो यूज़ प्लानिंग इट इज़ नो यूज इसका कोई यूज़ नहीं होता किसका प्लानिंग का अगर हम प्लानिंग करते तो इसका कोई यूज़ नहीं होता अनलेस एंड अनटिल मतलब जब तक कि अल्लेस मतलब होता है जब तक जब तक कि वी पुट थिंग्स इन टू ए प्रैक्टिस जब तक कि हम कोई चीज़ों का प्रैक्टिस नहीं करते तो प्लानिंग का हमको कुछ यूज़ नहीं होता है इस स्टोरी से हमें यही मॉरल मिलता है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो